मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। गाय का शक्ति प्रदर्शन है भाई, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री चले जाएंगे नेगेटिव वोटिंग वहां पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, मोकामा में एक बड़ी जीत की और ये लोग अग्रसर होते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं होते। भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता हो, जो युवाओं को सशक्त करने की बात करता हो, जो युवाओं के हक अधिकारों की बात करता हो, जिनकी नजरें ऐसे दल की तरफ हैं, वो अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण नागालैंड का है, जहाँ पे यकीनन भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो जब ये बातें ही स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिनका भविष्य ही नहीं बचाओ, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात नागालैंड नागालैंड में चुनाव को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूती से आगे काम कर रहा है। परिणाम ही अपने में दर्शाएंगे 3 तारीख को, जब वहां के परिणाम आएंगे बताएंगे कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन वहां पे रहने वाला। सवाल पे काय का शक्ति प्रदर्शन है भाई, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। इन लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन एक हो गया तो भैया एक तरफा माहौल रहेगा, और इनकी सोच कहीं ना कहीं 2015 से आ रही थी। भाई 2015 में जब लालू जी नीतीश जी का जब गठबंधन हुआ था, उस वक्त यकीनन वो एक मजबूत गठबंधनों में से था, पर तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता जिस तीव्रता से गिरी है, बार बार उनके दल बदलने के निर्णय को लेकर, बार बार उनके गठबंधन बदलने के निर्णय को लेकर, और उनकी नीतियों को लेकर जनता में जो आक्रोश है, समाधान के तौर पर हर विषय पर लाठी उठाना, बिहार के लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, अलग अलग विषयों पे खामोश रहना, हर सवाल पर जवाब देना कि हमको तो मालूम ही नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का पर्सनल और उनकी पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच गिरी है, उसका सीधा असर गठबंधन पे दिखता है। जब मैं सबसे कमजोर गठबंधन बताता हूँ, उल्टा नेगेटिव वोटिंग होती है भैया मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से। जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री चले जाएंगे नेगेटिव वोटिंग वहां पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, मोकामा में एक बड़ी जीत की और ये लोग अग्रसर होते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं होते, परिणाम स्वरूप मोकामा का भी जीत का मार्जिन इनका कम रहा। तो ये तो सारे उपचुनाव में दिखा ही दिया। तो ऐसे में जब आप शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन के पास तो कम से कम कोई शक्ति नहीं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।